नापा सरकस्बा मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। स्टैंड है, बाजार इतना बड़ा है, वो परेशानी सिगला रही होती है, कादा खिचर बहुत बदबू आती है। 25-30 साल से ऐसा ही पड़ा है, पास पास जमा कर उनका जीना दुर्बल हो रहा है। परेशानी 4 दिन से चल रही है और जीना भी आराम हो गया है। इसके अंदर ना सरपंच ध्यान दे रहा है, ना विधायक ध्यान दे रहा है। जेट मशीन मिलते ही पूरे गांव की सीवरेज जो है वो साफ सफाई कर दी जाएगी। अभी अभी कुछ स्थिति ठीक लग रही है, ये ग्राम पंचायत वाले भी आए हुए हैं। नमस्कार, मैं असगर अली। आप देख सकते हैं ये नापासर मुख्य बाजार से पुलिस थाने वाली रोड है। 4-5 दिन हो गए हैं बारिश हुए और बारिश का पानी है वो अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में मुख्य सड़क पे जमा है। हालांकि ग्राम पंचायत स्तर पर इसके जो कार्मिक है वो लगातार सीवर लाइनों के जो ब्लॉकेज है वो ढूंढने में लगे हुए थे और आज चौथे दिन इनको कामयाबी मिली है। यहाँ बता रहे हैं कि एक किसी सीवर लाइन में ब्लॉकेज है तो यहाँ इन्होंने उस लाइन को तोड़ के जो जमा पानी है वो इसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज या कल के दिन में शायद ब्लॉकेज को ढूंढ के दुरुस्त कर दिया जाएगा। सीवर लाइन जाम के कारण यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है नापासर कस्बे के लोगों को और बारिश का पानी कई कई दिनों तक गलियों में जमा रहता है। नापासर कस्बा राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता है और यहाँ पे 35 वार्डों में लगभग 50,000 की आबादी वाला नापासर कस्बा मान सकते हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा सड़कों की दिक्कत है। सड़कों का सबसे बड़ा रोष है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के प्रति रोष है कि वो यहाँ जो जल निकासी की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि आश्वासन जरूर देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत वो निश्चित तौर से यहाँ की जो जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है वो दूर करेगी। हालांकि यहाँ JCB लगी हुई है, मौके पर ग्राम विकास अधिकारी है नापासर के और वो बराबर जो चैम्बर जाम है उनका बराबर जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं नापासर पंचायत प्रशासन के जो कार्मिक है वो 4 दिनों से लगातार जो सीवर लाइन के चैम्बर जाम थे उनको ब्लॉकेज को ढूंढ रहे थे और आज चौथे दिन इनको सफलता मिली है। तो हम ग्राम विकास अधिकारी से जानना चाहेंगे कि आगे क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे क्योंकि बारिश तो अभी बहुत सारी होनी बाकी है। आपस में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं। कल ही जिला कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन भेजी है, जेट मशीन की मांग की गई है। जेट मशीन मिलते ही पूरे गाँव की सीवरेज जो है वो साफ सफाई कर दी जाएगी। और लोगों में सर पंचायत प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष है कि ये रोजाना आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। काम तो कर ही रहे हैं, बड़ा गांव है, संसाधन सीमित है, समय लगता है। और अभी ग्राम पंचायत ने जिला कलेक्टर को लेटर लिखा है जेट मशीन के लिए, तो बताइए उसके बारे में। हाँ, लेटर भेजा है, कल तक उपलब्ध हो जाएगी मशीन। उपलब्ध होते ही पूरे गाँव की जो सीवरेज है वो साफ सफाई कर दी जाएगी। तो ये थे ग्राम विकास अधिकारी अभयकर्णदान बिठूर, इन्होंने बताया कि हमने जिला कलेक्टर को लेटर पत्र लिखा है और हमने जेट मशीन की मांग की है जिसके द्वारा हम जो ब्लॉकेज है उनको ढूंढने में जेट मशीन से मदद मिलेगी। हमारे साथ हैं नापासर के नीमड़ीवाला सदन के नाम से प्रसिद्ध शंकरलाल जी जावर, जो पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हैं क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि इनका घर है वो पानी में डूब चुका था और ये 4 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब कैसी स्थिति है? अभी अभी कुछ स्थिति ठीक लग रही है, ये ग्राम पंचायत वाले भी आए हुए हैं, अभेदान जी और सब आए हुए हैं। पहले सरपंच साहब से भी बात हुआ था, प्रधान जी से भी बात हुआ था, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक हम चेष्टा कर रहे हैं लेकिन अभी चेष्टा देख रहे हैं कि सफलता मिल रही है। 3-4 दिन से हम भीतर में घर में पानी था, बाहर में पानी था, हम बाहर नहीं जा सकते थे। इतना गंदला पानी का बदबू इतनी मार रही थी, हमको डर ये लग रहा था कि अभी जो फिर वापस कोरोना का फैलाव हो रहा है तो कहीं मच्छरों का और का ये नहीं हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। इसलिए हम बार बार पंचायत अधिकारियों को और बार बार हम कर रहे थे कि ये काम जल्दी जल्दी करो, ये गांव में खास तौर से फर्स्ट प्रायोरिटी से काम होना चाहिए। कारण बाजार से लेके ये हमारे घर सत्यम सिंह सुंदरम घर तक पानी एकदम जाम हुआ हुआ था, इतना गंदा पानी, आदमी इधर से निकल नहीं रहे थे। कई बार ये मोटरसाइकिलें भी इधर से उधर गिर जाती थी तो बड़ा दुर्घटना होने का डर रहता था। तो ये अभी ये काम देख रहे हैं कि ये चैम्बर खोद के निकाला है, देखते हैं कोई सफलता मिल जाए तो बढ़िया है, तो ये कुछ समय के लिए हमारी ये सुविधा हो जाए। लेकिन इसके लिए गांव वालों गांव का तभी होगा, तब यहां पर दूसरी एक सिविल लाइन गिरेगी तभी गांव का, नहीं तो इतने पहले जिस टाइम ये हुआ था आपका ये ड्रेनेज गिरी थी उस टाइम 25-30% गाँव की आबादी का पानी आता था, लेकिन अभी ये पोजीशन है कि 85-90% गांव का पानी इधर आ रहा है, तो ये इतना इसका कैपेसिटी भी नहीं है।
तो हम भी चाहते हैं, प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ये दूसरा सेकंड पैरेलल लाइन बैठाएं ताकि गांव में ये पानी की सुविधा हो सके। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी हुई आपको, क्योंकि बहुत सारे यहाँ घर है तो उन लोगों का जल निकासी की समस्या के कारण कई दिनों से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल है, चार दिनों से ब्लॉक है बारिश से, बस स्टैंड है, बाजार इतना बड़ा है, वो परेशानी सिगलारी होती है, कादा कीचड़ बहुत बदबू आती है। कहीं सरपंच है ना, चार दिनों से बाजार नहीं आ रहा है, अब लोग शिकायत की है ना, तो अब मुख्य मेन रोड है, ये भी फूटी हुई है रोड, गटर लाइन बड़ी नहीं लाग रहा है, छोटी छोटी पाइप लाग रहा है, कहीं ये तकलीफ है, पानी निकासी नहीं होता है। जब आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या ग्राम पंचायत में जब इस तरह की आप शिकायत करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ। ऐसे ही 25-30 साल से ऐसे ही पड़ा है, हर जब भी मौसम खराब होता है, बरसात आती है, पानी यहाँ निकासी नहीं होता है, जो ये घर मकान है पास पास जो मकान, उनका जीना दुर्बल हो रहा है और मच्छर का प्रकोप भी होता है, बीमारी भी आती है। और लोग ज्यादा बोलते हैं, पंचायत में जाते हैं, बीकानेर कलेक्टर के पास भी एक बार गए थे, आश्वासन देके छोड़ देते हैं, गांव वाले विरोध भी बहुत कर रहे हैं इस रोड का, इसको ऊंचा लेके सही कराओ, बढ़िया कराओ। लोगों में जल निकासी की समस्या को लेकर भारी रोष है, वहां देख सकते हैं गाड़ी आ रही है। मैं चाहूंगा कि देखें आप कि ये नापासर के लोगों के लिए रोजाना का दृश्य बन चुका है और इस तरह का दृश्य अक्सर नापासर देखने को मिलता है। यहाँ ये परेशानी चार दिन से चल रही है और जिंदा भी हराम हो गए है, और ये मेन रोड नापासर की ये टूटी हुई पड़ी है, इसके अंदर ना सरपंच ध्यान दे रहा है, ना विधायक ध्यान दे रहा है, और विधायक ध्यान देता है तो सरपंच इससे लेके आ जाता है। ये क्या, इसके क्या नतीजे मूनसर में काम हो गया है, कल्याणसर में कितना छोटा सा गांव है कल्याणसर, नापासर पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, पहले नगर पालिका भी घोषित होगी लेकिन राजनीति के पर्पज से ये वापिस पंचायत होगी, लेकिन पंचायत में सरपंच है, प्रधान है, जो भी उनको ध्यान देना चाहिए, उनको अवगत होना, सबको अवगत है, ये कोई है नहीं कि नहीं जानते, सब जान रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कैसे हो रहा है क्या नहीं है, एक करने के लिए कोशिश करता है, दूसरे पर्पज इष्टे ले आते हैं, ये झमेले में पड़ी हुई है, इसलिए ये मेन रोड है नापासर की दुर्लभ हो गया है, एक घोड़ा खड़ा पड़ा गाड़ी रोड पे और लेडीज पड़ जाती है। कल एक लेडीज यहाँ अंदर पानी के अंदर ऐसे गिर गई थी, उसके पैर में चोट भी आई है, लेकिन कोई नहीं सुनाई दे रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, भाई कोई लेडीज है, बूढ़ा बड़ा आदमी है, कोई बीमार है, कोई है, सबके पास तो बाइक नहीं है, सबके पास तो साधन नहीं है, कई पैदल भी चलते हैं और पैदल चलने वाला की हालत ही खराब है। यहाँ सरपंच के पास आते हैं पंचायत तो आश्वासन देकर छोड़ देना, यहाँ ठीक कर देंगे, झूठा आश्वासन है। एक रोड की भी बात नहीं है, अपने सिंतल रोड देख लो, नापास जो सिंतल रोड है वो वहाँ भी भयानक स्थिति खराब है, और मोहल्लों की जो रोड है, मोहल्ले के छोटे छोटे जो अपने जवरों का मोहल्ला है, पारिकों का मोहल्ला है, वहाँ भी आप देख लो, जो एक बार रोड बनी थी थोड़ी बहुत, वो भी टूटी हुई फूटी पड़ी, कोई संभालने वाला नहीं है। स्थानीय प्रशासन के प्रति गहरा रोष है और नापासर के चारों दिशाओं की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है, गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं, इन गड्ढों में बारिश का पानी भरने से यहाँ हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और बता रहे हैं कि कल ही एक महिला यहाँ गिरने से घायल हो गई थी, और आए दिन जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो गिर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर निश्चित तौर से स्थानीय प्रशासन ध्यान देंगे और जल निकासी की समस्या से कस्बे के लोगों को निजात दिलाएंगे, क्योंकि नापासर कस्बा राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में माना जाता है, लेकिन विकास की दृष्टि से देखें तो यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं।